कोरोना वायरस की मौजूदा लहर के बीच दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उनमें से 5 को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और पहली बार 7,000 से अधिक मामले आए हैं। हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की हालिया लहर में 37 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। निजी अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक सूत्र ने बताया, हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों का उपचार करते हुए 37 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। इन डॉक्टरों में से अधिकतर में कोरोना के हल्के लक्षण मिले हैं। कुल 32 डॉक्टर को आइसोलेशन में रखा गया है और बाकी 5 को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पिछले एक साल से महामारी के दौरान सर गंगाराम हॉस्पिटल ने कोविड-19 के उपचार में अग्रणी भूमिका निभाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली एक बार फिर से कोरोना वायरस की गिरफ्त में फंसती जा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार 8 अप्रैल को पिछले 24 घंटे में 7,437 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 24 लोगों की इस दौरान मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 8% के पार पहुँच गई है। वही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में कहा कि संक्रमण दर महाराष्ट्र में 25%, छत्तीसगढ़ में 18% और बहुत सारे राज्यों में 10% से ऊपर है। दिल्ली में अभी ये 6% क्रॉस कर चुका है। पूरा देश एक तरह के ट्रेंड पर चल रहा है। शहरों में ज्यादा और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम है। जितने भी शहर है उनमें करीब एक हफ्ते आगे पीछे का ट्रेंड चल रहा है। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए 480 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 489 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने 731 चालान भी जारी किए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।